एक्सेस ट्रूथ बियॉन्ड डिफेक्ट्स। तो अभी तक हमने देखा क्या, दो चीज़ हमने देखा कि वी आर नॉट दिस बॉडी, द फर्स्ट सेशन वी सॉ दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, हम लोग ये शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। देन सो मेनी डिफरेंट केस स्टडीज वी सॉ साइंटिफिकली ऑल्सो वी सॉ दैट हाउ वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, हम लोग शरीर कैसे नहीं, हम लोग आत्मा है। उसके बाद हम लोग सेकेंड सेशन में ये भी देखा कि हाउ सुप्रीम गॉड इज देयर बिहाइंड एवरी आर्ट, देयर इज एन आर्टिस्ट। कुछ भी ऐसा नहीं संसार में जिसके पीछे आर्टिस्ट नहीं है। बिहाइंड एवरी डिजाइन देयर इज एन डिजाइनर, बिहाइंड एवरी लॉ देयर इज अ लॉ मेकर। अल्टीमेटली वी अंडरस्टूड दैट ये जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो संसार ब्रह्मांड है, इट्स सच अ वंडरफुली डिजाइंड दैट हम लोग बस ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर डिजाइनर दिख नहीं रहा है इसका मतलब क्या डिजाइनर नहीं है, या फिर ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इज नॉट विजिबल डजंट मीन दैट ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इज नॉट देयर, राइट। सो उसमें हमने देखा क्या कि सुप्रीम गॉड का जो फिंगरप्रिंट है वो हर जगह दिखाई दे रहा है, एवरीवेयर, बिकॉज समटाइम्स द फिंगरप्रिंट ऑफ क्रिएटर इज फाउंड इन द क्रिएशन इट्सेल्फ। सो द प्रीवियस सेशन वी सॉ दैट हाउ बाय सीइंग द सीन, ऑब्जर्विंग द सीन, वी कैन अंडरस्टैंड द सीन अनसीन। जो चीज हमें दिख रहा है उन चीज को ऑब्जर्व करके हम लोग देख सकते हैं परम भगवान की स्थिति को, सुप्रीम गॉड कैन बी एक्सेस्ड। तो सच्चाई को जानने का बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज, एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट राइट वे टू अंडरस्टैंड दैट सच्चाई, द ट्रुथ, दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। सो डिस्कवर द मैनुअल ऑफ लाइफ, एक्सेस ट्रुथ बियॉन्ड डिफेक्ट्स। सो नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। सो टुडे सेशन इज ऑल अबाउट वैदिक नॉलेज, ऑल अबाउट वैदिक नॉलेज। सो वेदा मतलब नॉलेज, वेदा, वेदा, द शब्द वेदा वेन इट गोज मीन्स विद, इट इज क्रिएटेड बाय वर्ब विद, विद मीन्स जानने वाला, या फिर द पर्सन हु इज नोइंग अ लॉट, राइट। सो नॉलेज, वेदा मीन्स ऑल नॉलेज, द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, दैट्स कॉल्ड वेदा। So today our topic of discussion is more about that. So how Vedas are nowadays being accepted by so many great scientists and great philosophers. And Vedas mein jo jo cheeze batayi gayi hain, everything is actually now being proven by modern scientists. Well, nicely. So वेदों में सब सब बताया गया चुका है कि प्लांट्स हैव लाइफ। पिछली शताब्दी तक, टिल लास्ट सेंचुरी, साइंटिस्ट वेयर थिंकिंग दैट नो, प्लांट्स हैव नो लाइफ, बट जेसी बॉस प्रूव्ड दैट प्लांट्स हैव लाइफ। बट वेदा हैज ऑलरेडी टोल्ड सो मेनी, लाइक फॉर टाइम इटर्निटी, एम्ब्रियोलॉजी इज द साइंस विच इज सो विविडली डिस्कस्ड इन श्रीमद् भागवतम, and practically all different types of sciences are mentioned and described in Vedas, yeah. So these are all quite very famous things that I am going to show you: Ayurveda, Vastu Shastra, Vedic cosmography, astronomy, astrology, Indian metallurgy, Vimana Shastra. So these are quite very famous. मतलब क्या, एज मेनी साइंसेस आर देयर इन द वर्ल्ड, ऑल आर देयर एक्चुअली इन वेदाज इन मच मोर हाई मैच्योर्ड स्टैंडर्ड। सो लाइक वी सी दिस वैदिक मैथमेटिक्स। सो नाउ लेट्स सी सिक्स ब्लाइंड मैन, व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, द स्मॉल लिटिल स्टोरी ऑफ सिक्स ब्लाइंड मैन एंड वन वाइज मैन स्टोरी, थ्री वेज टू गेनिंग नॉलेज, four defects, how that leads to imperfect knowledge, scientific research, can it offer complete knowledge, Vedas offer perfect and complete knowledge। तो ये पांच चीज हम लोग देखेंगे।
सो ये बच्चों की कहानी है, क्वाइट वेरी फेमस, शायद आप लोग जानते होंगे व्हाट इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट। तो जस्ट वेट, ओके, लेट्स रिकॉर्ड इट ऑल। सो एक वो एक हाथी है ना, जिसको देखने के लिए छह अंधे लोग, द सिक्स ब्लाइंड मैन, एक्चुअली वांटेड टू नो हाउ एलिफेंट्स लुक्स लाइक, कैसे हाथी दिखता है। वो छह अंधों ने सोचा कि हम उसको देखेंगे बाय परसीविंग थ्रू अवर टच। सो सम हाउ अदर दे वर ब्रॉट, किसी तरीके से वो हाथी के पास लाए गए और सबों ने हाथी को, हाथी कैसा दिखता है उसको जानना चाहा। तो क्या हुआ कि एक हाथी का पीठ पकड़ लिया है ना, एक हाथी के पीठ पे चढ़ गया और उसका कान टटोल रहा है, एक क्या कि सूंड पकड़ा हुआ है और एक हाथी के जो दांत निकले हुए उसको पकड़ा हुआ है, और एक क्या है ना पीछे जो उसका जो पूंछ उसको पकड़ा हुआ है, और एक पैर को पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से सभी सोच रहे हैं कि ये हाथी होता है तो होता कैसे है। तो जो पेट को पकड़ा है ना, हाथी के पेट को पकड़ा है, वो सोच रहा है कि हाथी मतलब क्या है, हाथी मतलब एक दीवार जैसा है, गोल जैसा दीवार है और हिलता रहता है। तो जोर से बोला, अरे मैं समझ गया हाथी कैसा दिखता है, मुझे पता है, पता चल गया हाथी एक दीवार के जैसा है जो कि हिलता रहता है। फिर दूसरा व्यक्ति वो सूंड पकड़ा और सूंड पकड़ के बोला कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हाथी दीवाल जैसा नहीं है, हाथी एक सांप जैसा है। फिर वो पूंछ पकड़ा है, बोला कि नहीं नहीं हाथी सांप जैसा नहीं है, हाथी रस्सी जैसा है। जो कान पकड़ा है, बोला कि नहीं नहीं हाथी वैसा नहीं है, सब तुम लोग सब मूर्ख हो, तुमको पता नहीं चला कि हाथी कैसा है, हाथी जो है एक पंखे के समान है। तो इस तरीके से जो दांत पकड़ा है वो बोला कि नहीं हाथी है ना एक तीर के समान है। तो ये सभी लोग अपना अपना क्या लगा रहे हैं वहां पे, बुद्धि लगा रहे हैं, जो इनको पता चल रहा है कि हाथी ऐसा हो सकता है। और जो पैर पकड़ा हुआ है वो बोला कि नहीं हाथी एक पेड़ के तने के समान है, लाइक दैट। सो आपको क्या लगता है कि ये जो छह अंधे लोग हैं, ये क्या परफेक्ट नॉलेज प्राप्त कर पाएंगे? Will they be able to get the perfect knowledge? What do you feel? If you are able to, okay, Mithilesh Kumar Raj is telling no. Pritam Nath is telling no. It's some 10 minutes before response. Okay, so आप लोगों से क्या लगता है? Ayush Powell, no. Sure, no. Okay, surely, no. तो कैसे देख पाएंगे? कैसे देख पाएंगे? हालांकि जो भी लोग देख रहे हैं सबका अपना जो परसेप्शन वो सही है, कैसे देख पाएंगे कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कैसे देख पाएंगे लोग हाथी को, क्या कोई बोल सकता है कैसे देख पाएंगे हाथी को? ऐसे तो हाथ टटोल के नहीं देख सकते, कैसे देख पाएंगे हाथी को? यस, कोई बोलना चाहते हैं? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। या स्टडी अबाउट एलिफेंट, या दैट्स करेक्ट, एलिफेंट के बारे में सुन के, दैट्स करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बाई रीडिंग और बाई हियरिंग अबाउट एलिफेंट, हाउ एलिफेंट्स लुक लाइक। एनीबडी एल्स लाइक टू ऐड समथिंग? और कोई दूसरे हमारे दोस्त हैं जो कि बोलना चाहते हैं कैसे ये छह अंधे लोग हाथी को देख पाएंगे, हाथी को सही में जान पाएंगे? जैसे वन वे बाई रीडिंग स्टडिंग अबाउट एलिफेंट, दैट्स ट्रू। ओके, सो बिल्कुल सही बोला मिथिलेश ने कि बाई नोइंग फ्रॉम द ऑथराइज सोर्सेस वी कैन अंडरस्टैंड, या फिर किसी आंख वाले व्यक्ति के पास जाके पूछेंगे कि हाथी कैसा दिखता है, तो आंख वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे बेवकूफ कहीं के अंधे, पता नहीं तेरे हाथी कैसे दिखता है, तो बस सूंड पकड़ के बोल रहा है कि हाथी सांप जैसा है, वो सूंड है बस।
सब लोग ने देखा, सही देखा, लेकिन सबों ने क्या देखा, तुमने एक सच्चाई का एक सेक्शन देखा, पूरा सच्चाई नहीं देखा। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, सब लोग करेक्ट हो लेकिन पार्शली करेक्ट हो, राइट? या दैट्स ट्रू, दैट हाथी दीवाल के जैसा, लेकिन हाथी का पेट दीवाल के जैसा, पूरा हाथी दीवाल के जैसा नहीं है। दैट्स ट्रू दैट मे बी हाथी कुड बी लाइक ट्री, बट जस्ट हाथी का पेड़, हाथी का जो पैर है ना, बस वो है पेड़ के जैसा, इट्स नॉट द होल एलिफेंट इज लाइक दैट, राइट? तो तीन तरीके से हम लोग नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। इस स्टोरी से हमें पता चला क्या है, पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट परसेप्शन। पहला तरीका है जिससे हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दिस इज द वैदिक साइंस, यू कैन नोट दिस ऑल थिंग्स डाउन। पहला है सेंस परसेप्शन, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, जो देखा, जो टच किया, बस वही, बस और कुछ नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण। सीइंग इज बिलीविंग भी बोलते हैं जिसको। दूसरा अनुमान प्रमाण, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, अनुमान लगा सकते, हो सकता है ऐसा होगा, हो सकता है वैसा होगा, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं, ग्राफ्स निकालते हैं, प्रत्येक इंसिडेंट्स के ऊपर ग्राफ्स निकालते हैं, ग्राफ्स को स्टडी करते हैं, इस साल सुनामी आया तो इतना इतना इतनी इतनी बड़ी वेव्स थी, 10 साल पहले सुनामी आया था तो ऐसा ऐसा वेव्स था, तो सुनामी का फ्रिक्वेंसी क्या हुआ, सपोज दे गॉट आउट सम एवरेज फ्रिक्वेंसी, उसके बाद वो पता चलता कि इस बार सुनामी इतने साल बाद आने वाला है ना, तो गेस करते हैं कैसे, ऑब्जर्वेशन से, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। लेकिन पता चलता है कि सुनामी बीच में भी आ गया है ना, सो दिस इज कॉल्ड अनुमान। हम लोग को पता नहीं कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं, इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दैट, बाय ऑब्जर्विंग द स्टेप्स, ऑब्जर्विंग द थिंग्स हाउ इट्स गेटिंग रिपीटेड, राइट? सो थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, गेस वर्क। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ, सेकेंड वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। तीसरा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब क्या, एकदम ऑथोरिटी बंदे से, ऑथोरिटी व्यक्ति से जाके पूछ लो उसके बारे में, बस फिनिश, हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड ऑथोरिटी, राइट? सो इफ यू अंडरस्टैंड थ्रू ऑथोरिटी देन वी गेट ऑल्सो नॉलेज। सो द थ्री वेज ऑफ गेटिंग नॉलेज, सो वी शैल बी सीइंग विच वन इज द राइट वे, विच वन इज द परफेक्ट वे, विच वन इज द कंप्लीट वे, कौन सा एकदम परफेक्ट सही तरीका है नॉलेज प्राप्त करने का। पहला चलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, ओके। सो प्रत्यक्ष प्रमाण गिव अस फुल नॉलेज, मतलब इज सीइंग इज बिलीविंग। अगर जो हम लोग देख रहे हैं क्या वही सच्चाई है, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीज हम लोग देखते हैं जो कि इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे चीज हम लोग देख रहे हैं कि इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे पैरेलल रेलवे ट्रैक्स अगर देखते हैं तो लगता है क्या दोनों जाके सामने दूर जाके मिल जा रहा है, बोथ ऑफ द ट्रैक्स आर गोइंग एंड ज्वाइनिंग ईच अदर, बट वेदर इट्स हैपनिंग नेवर, कभी ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता। सो रेलवे ट्रैक्स आर नॉट मीटिंग एवर। अपनी हम फेसेस को डिफरेंट मिरर्स में देखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, हमारा जो फेस है या फिर हमारा जो कद है, वो क्या पूरा विकृत हो जाता है, डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शंस, इट गेट्स डिस्टॉर्टेड। तो क्या हम वैसे हैं, बट हम लोग देख रहे हैं वैसे हैं। बचपन में जो हम लोग पानी के अंदर में अपनी पेंसिल को डालते हैं, फिर सिक्के को डालते हैं, क्या होता है, वो पेंसिल टेढ़ा दिखता है, या सिक्के को डाल दो सिक्का ऊपर आया हुआ दिखता है, बट इज इट सो? गर्मी के सीजन में अगर आप नेशनल हाईवे पर चलते हैं तो दूर जा रहे जो कार है उसके बगल में देखेंगे क्या कि पानी, रोड के ऊपर पानी चल रहा है, वाटर इज फ्लोइंग, जैसे लाइक फ्लड आ गया जैसे। लेकिन जहां पे जाते तो पता नहीं, वहां पे तो दिखता नहीं पानी है कि नहीं। सो क्या जो हम लोग देख रहे हैं वो है वहां पे, दैट्स कॉल्ड मिरेज, सीइंग इज नॉट बिलीविंग। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे आंख है, हमारे नाक है, हमारे टच, जीवा स्मेल, एंड फॉर हियरिंग ईयर्स,
ये पांच पोर्ट्स हैं, दीज आर द फाइव पोर्ट्स बाय विच वी गेट नॉलेज। इस पांच पोर्ट के अलग कोई छठवां पोर्ट नहीं जिससे हम लोग नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या है? आंख से देख सकते हैं, टच, सेंस ऑफ टच से टच कर सकते हैं, पता चलते हैं दिस इज हार्ड, दिस इज सॉफ्ट, ओके, दिस इज हार्ड, समथिंग इज हार्ड, समथिंग इज कोल्ड, वी फील थ्रू अवर टच, अपनी टच से। उसके बाद हियरिंग, कान से सुन के, टेस्ट, जीवा से टेस्ट करते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, स्मेल अच्छा है, पंजेंट है, अच्छी खुशबू आ रही है या फिर दुर्गंध आ रही है। सो देयर आर फाइव पोर्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस ऑर्गन्स बाय विच वी गेन नॉलेज, नॉलेज अक्वायरिंग सेंसेस बोलते हैं इसको। तो इन नॉलेज अक्वायरिंग सेंसेस से हम कंप्लीट नॉलेज नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जितने भी सारे हमारे सेंसेस हैं इसमें चार डिफेक्ट है, फोर डिफेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, वी हैव फोर डिफेक्ट्स। क्या क्या है वो फोर डिफेक्ट्स, लेट्स सी। पहला है कि हमारे जो सेंसेस हैं, ये पांचों जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं, दे आर इम्परफेक्ट, बिकॉज दीज आर इम्परफेक्ट वी गेट इल्यूजन्ड। हम लोग क्या हो जाते हैं? इल्यूजन्ड हो जाते हैं, हम लोग मोहित हो जाते हैं, या फिर जो है वो नहीं दिखता है, जो नहीं है वो दिखता है कि नहीं? देखिए यहाँ पे ये तीन फेसेस है, एक ही फोटो है, लेकिन इस एंगल से देखने से लगता है कि व्यक्ति साथ सामने देख रहा है, दूसरे एंगल से देखने से पता चलता है कि व्यक्ति साइड में देख रहा है ना? राइट, इट्स क्वाइट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस, दैट हाउ वी आर इल्यूजन। देन तीसरा है, वी कमिट मिस्टेक्स। हमारी इंद्रियाएं जो कि पूर्ण रूप से इल्यूजन्ड हो जाती हैं, इल्यूजन्ड हो जाती हैं, तो मिस्टेक कमिट करते हैं, वी कमिट मिस्टेक। और मिस्टेक करने के बाद सब लोग एक काम जरूर करते हैं, वो चीटिंग करता है, वी ऑल डू चीटिंग। हमने मिस्टेक किया तो उस मिस्टेक को लिपापोती करने के लिए, छुपाने के लिए लोगों से, कि बाद में लोग हमारे हमारा बदनाम ना हो, हमारा हंसी ना उड़ाए, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट्स, रिकॉर्डेड, दे ऑल हैव चीटेड। वाओ, सो हाउ वी कैन गेट द नॉलेज थ्रू दिस आवर फाइव सेंसेस। सो ये चार डिफेक्ट्स हैं हमारे पास सबके पास, कोई भी संसार में नहीं आया जो कि चार डिफेक्ट से ऊपर है। नोबडी, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस, वेदर इज डार्विन, वेदर इज आइंस्टीन, वेदर इज अ कॉलेज ग्रेजुएट और अ कॉलेज प्रोफेसर, वेदर रिसर्च स्कॉलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन द नेम, यू जस्ट नेम इट, एवरीबॉडी हैव दिस फोर डिफेक्ट्स। एंड हाउ दिस इज सो, वी शैल बी सीइंग। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। फर्स्ट, इम्परफेक्ट सेंसेस। सबसे पहला आंख है ना, आंख के ऊपर हमें बहुत बड़ा घमंड है, हमारी आंखें वाह क्या नहीं देखती हैं हमारी आंखें, लेकिन आंखें हमारी क्या देख सकती हैं वो तो हमें जानना चाहिए। अवर आईज आर ब्लाइंड, परफेक्टली ब्लाइंड बियॉन्ड 400 टू 700 मिली माइक्रोन। ये जो वेवलेंथ है 400 टू 700 मिली माइक्रोन, या उससे बाहर हमारी आंखें कुछ भी नहीं देख सकती, कुछ भी नहीं, इंफ्रारेड के बाहर नहीं देख सकती, अल्ट्रावायलेट के बाहर नहीं देख सकती, बस वह 4 to 7 नैनोमीटर का जो स्मॉल रेंज है उसी में हम लोग देख सकते हैं, जिसको विजुअल रेंज ही बोलते हैं। अगर आपके आंखों के सामने एक व्यक्ति है जो इंफ्रारेड से नीचे का वेवलेंथ, इंफ्रारेड से ऊपर का वेवलेंथ इमिट कर रहा है, लेकिन आपको दिखेगा ही नहीं, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है जो कि अल्ट्रा वायलेट से नीचे का रेंज का जो वेवलेंथ है वो इमिट कर रहा है, तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हमारी आंखें सब कुछ देख सकती है? हमारे कान, अवर ईयर्स, दे आर सिंपली डीफ, बहरे, हम लोग बहरे,
20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बाद हम लोग कुछ देख ही नहीं, कुछ सुन ही नहीं सकते. दिस कॉल ऑडिबल एरिया, ऑडिबल जोन फॉर ह्यूमन बींग्स. लेकिन बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो कि उनका रेंज 20 हर्ज के बाहर जाता है, 20 हर्ज से कम हर्ज की साउंड्स को भी सुन पाते हैं. जैसे एलिफेंट्स हुए, जैसे कैट्स, कुछ लोग अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन पाते हैं, हम नहीं समझ सुन पाते. जैसे बैट्स, लाइक फिशेस, लाइक दैट. सिमिलरली बिकॉज अवर्स दीज आर द इम्परफेक्ट सेंसेस, इफ सेंसेस हैव लिमिटेशंस, आई कैन यूज समबडी कैन से हमारे सेंसेस में लिमिटेशंस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मशीन्स यूज कर सकते हैं. मशीन्स को हम लोग इस तरीके से कैलिब्रेटेड कर सकते हैं जिससे कि हम लोग उस तक पहुंच सके, उस नॉलेज तक पहुंच सके. लेकिन नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट यूजन विग्नर वो क्या बोलते हैं, अगर हम लोग फोटोग्राफी भी करें, सारा इंस्ट्रूमेंट यूज करें, फिर भी जो नॉलेज हम लोग लेंगे उस सारे इंस्ट्रूमेंट से वो किधर से जाएगा, हमारे सेंसेस से ही जाएंगे. अल्टीमेटली नॉलेज इज गोइंग थ्रू आवर सेंसेस ओनली, अदर थ्रू आवर आईज, थ्रू ईयर्स. तो जो कुछ भी नॉलेज है वो अंततोगत्वा डिफेक्टिव हो ही जाएगा. सो इवन इफ यू फोटोग्राफ स्टार्स, इवेंचुअली वी हैव टू टेक इन आवर सेंसेस व्हाट द फोटो शोज. फर्दर मोर विदाउट आवर सेंसेस वी कैनॉट हैंडल अ कैमरा. इवन इफ यू एम्पलीफाइड refined by the instruments, the knowledge is no more perfect than our imperfect senses. तो आगे बढ़ते हैं, to be illusioned. तो हमारे senses imperfect हैं. चलो ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल दिया, रेंज क्या बात करें, लेकिन हमारी आंखों का भी रेंज तो हम लोग देख पा रहे हैं ना, कि जस्ट समवेयर ऑन 120 डिग्री का जो रेंज है उसके बाहर नहीं देख पाते, बस इतना ही देखते हैं, दिस मच. बैक साइड नथिंग वी सी. And in this much also, after maybe around 6 kilometers ahead, we are seeing all blur. हम लोग आंखों के सामने 6 kilometers के सामने कुछ भी नहीं दिखता है, बोलते हैं horizon है, horizon. Horizon मतलब क्या, आकाश धरती से मिल रही है. आकाश धरती से नहीं मिल रही है कभी भी, लेकिन हमारी आंखें दिखा रहे हैं कि आकाश धरती से मिल रही है. बहुत कुछ देख सकते हैं लेकिन हमारी आंखों की किस डिफेक्ट्स हैं, आवर आईज आर डिफेक्टिव. कुछ डिस्टेंस के आगे कुछ दिखता ही नहीं. तो कान के भी वैसे ही है. सो लाइक दिस आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट. बिकॉज आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट वी बिकम इल्यूजन्ड. इल्यूजन मतलब रहता है कुछ, दिखता है, टेस्ट होता है कुछ. जैसे जीवा की बात करें तो अगर रसगुल्ला या फिर गुलाब जामुन खा के अगर आप ऑरेंज खाते हैं तो ऑरेंज कैसा लगेगा, कैसा लगेगा ऑरेंज, बहुत खट्टा लगेगा. लेकिन अगर लेमन, लेमन मतलब नॉर्मल छोटा लेमन जो होता है, उसको खा के अगर आप ऑरेंज खाते हैं तो वही ऑरेंज मीठा लगेगा. अगर गर्म गर्म जगह से हाथ लगा के पानी को टच करते हैं तो पानी बहुत ठंडा लगेगा. और ठंडे जगह से हाथ लाके उसी पानी में लगाते हैं तो पानी गर्म लगेगा, राइट. सो दिस इज इल्यूजन. तो फिर आंख के बारे में देखते हैं, देखिए तो दिस स्मॉल लिटिल फोटो हेयर. आप लोग सब लोग को दिख रहा होगा ये फोटो, बताइए इस फोटो में आपको दिख क्या रहा है, व्हाट यू आर एबल टू सी, क्या दिख रहा है. जो कुछ भी दिख रहा है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्या दिख रहा है आपको. या आयुष पावल लिखते हैं ओल्ड पर्सन, या दैट्स ट्रू, वन ओल्ड लेडी इज श्योरली देयर. और अन्य हमारे दोस्तों की बात क्या, उनको कुछ दिख भी रहा है नहीं. या कुछ दिख रहा है. प्रीतम नाथ लिखते हैं अ गर्ल, एक लड़की दिख रही है प्रीतम नाथ को. ओके और किन्हीं को कुछ दिख रहा है. मिथिलेश कुमार को दिख रहा है ओल्ड पर्सन, पर्सन मीन्स आई एम ओके. रोशन कुमार इज टेलिंग ए लिटिल बॉय विथ व्हाइट हेयर्स,
या लिटिल बॉय लिटिल गर्ल सीमिंगली सेम, ओके। कितने लोग को दोनों दिख रहा है, कितने लोग को दोनों दिख रहा है, लिटिल बॉय भी दिख रहा है और ओल्ड लेडी भी दिख रही है? बहुत कम लोगों को दिख रहा है, लेकिन इस फोटो में दोनों लोग हैं, लिटिल गर्ल भी है और ओल्ड लेडी भी है, लिटिल गर्ल और ओल्ड लेडी भी है। देखिए ओल्ड लेडी कैसे है, ओल्ड लेडी का यह शॉल है, शॉल या भी या फिर फर वाला जो ये क्या बोलते हैं इसको कोट है ना, ओल्ड लेडी का जो ये फर वाला कोट है, ओल्ड लेडी का ये चीन है, चीन ठुड्डी, ओल्ड लेडी का मुख है यहाँ पे, ये देखो मुख, लिप्स, ओल्ड लेडी का मुख। और यहाँ पे छोटी सी गर्ल है, उसका जो चीन है वो ओल्ड लेडी का नाक है, नथुना दिख रहा होगा आपको। सो ये जो नाक है वो ओल्ड लेडी का, ओल्ड लेडी का जो नाक है वो छोटी सी लड़की का क्या है, चीन है, ठुड्डी है। यहाँ पे छोटी सी लड़की का जो नाक है वो ओल्ड लेडी का भी नाक है, लेकिन नाक का टॉप है, राइट, तो दिख रहा है ना, नाउ गर्ल एंड ओल्ड लेडी बोथ आर विजिबल बट इन बिगिनिंग नॉट विजिबल, इट वॉज नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ अस। ये देखिए व्हाट इज दिस, दूर से देखने से लग रहा है कि व्हाइट कलर का एक कोन है, ट्रायंगल है, लेकिन एक्चुअली ट्रायंगल नहीं है, तीन सर्कल्स को ऐसे काट के रखा गया कि लग रहा है कि क्या है, ट्रायंगल है, राइट। अच्छा इसमें क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है इसमें से, क्या क्या दिख रहा है इसमें, इस फोटो में, या यस आयुष पावल लिखते हैं टू यंग एंड टू ओल्ड पर्सन, दो नौजवान और दो बूढ़े लोग, यहाँ सही है, यहाँ पे दो नौजवान हैं, एक गिटार बजा रहा है इधर, एक यहाँ पे सर पे कुछ रखी हुई है, लेकिन ये दोनों क्या है, इसके मुख नाक का स्ट्रक्चर है बूढ़े और बूढ़ी का, है ना। और कुछ दिख रहा है, टू यंग एंड टू ओल्ड मैन वन गर्ल, वन गर्ल इज हेयर इन द ईयर ऑफ ओल्ड मैन, या दैट्स ट्रू। सो लाइक दिस वी सी, दिस इज अनदर, अगर आप अपनी आंखों को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, पता चलेगा क्या, ये हिल रहा है, कितने लोग को लग रहा है ये हिल रहा है, ये कितने को लग, कितने को दिख रहा है कि ये हिल रहा है, या ओके सबको लग रहा है लेकिन हिल नहीं रहा है, दिस इज नॉट मूविंग, इट्स इंटैक्ट, एक ही जगह पे। आप इस स्ट्रक्चर में आप क्या कीजिए, अपनी लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाइए, आपको दिखेगा कि ये स्ट्रक्चर घूम रहा है, कितने लोग लग रहा है घूम रहा है, मुझे तो दिख रहा है ये घूम रहा है ये पूरा, ये वीडियो क्लिप नहीं है, ये वीडियो क्लिप नहीं है, स्टैटिक है, दिस इज स्टैटिक, ये घूम नहीं रहा है, ये स्टैटिक है, लेकिन लग रहा है कि घूम रहा है, दिस इज इल्यूजन, आवर आईज आर इल्यूजन, राइट। ये फोटो है, फोटो है, दिस इज स्टिल फोटो, बट ऐसा लग रहा है क्या, ये घूम रहा है। आप सेंटर पे जो यहाँ पे एक पॉइंट है उसके ऊपर कंसंट्रेट करके आप आगे पीछे, आगे पीछे होइए, नो यू जस्ट डू टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, सीइंग द सेंटर, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, बीइंग वन पॉइंटेड इन द सेंटर, यू जस्ट डू लाइक दिस, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, कैसा लग रहा है आपको, घूम रहा है ना, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इट्स रोटेटिंग, लेकिन नहीं घूम रहा है, घूम नहीं रहा है, लेकिन हमारी आंखों को लग रहा है क्या, ये घूम रहा है,
हमारी आंखों को लग रहा है क्या, ये घूम रहा है. सो लाइक दिस देयर ऑप्टिकल इल्यूजन्स. ऑल अवर सेंसेस हैव टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन. हमारी जितनी सारी इंद्रियाएं हैं सब हमारे सबके पास ये टेंडेंसी है इल्यूजन होने का, इल्यूजन हो जाने का. जब इल्यूजन हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं. मिस्टेक जैसे घूम तो नहीं रहा लेकिन हम लोग बोले घूम रहा है, तो मिस्टेक हो गया कि नहीं, मिस्टेक हो गया. तो इस तरीके से बहुत बड़ी 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 रिसर्च हुए हुए हैं, बड़े बड़े पेपर निकाले गए हैं, उसके ऊपर लोगों को पीएचडी डिग्री मिला है, लेकिन पूरा का पूरा इनकरेक्ट है, पूरा का पूरा इनकरेक्ट हुआ. जैसे ब्रेन को पहले बोला जाता था क्या क्या, ब्लड को कूल करने का एक मशीन है, साइंटिस्ट लोग बोलते थे. बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है कि वेस्टेज है, वेस्टेज ग्लैंड है, इसको हम निकाल के फेंक देना चाहिए. हबल कांस्टेंट जो कि एक कांस्टेंट है दो स्टार्स के बीच डिफरेंस पता करने के लिए, वो इतना बार बदला है कि अब साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हबल कांस्टेंट है या फिर हबल वेरिएबल है ना. तो हम लोग एक दूसरा केस देखने जा रहे हैं, पिल्टडाउन मैन हॉक्स. तो जब हम लोग मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक को छिपाने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं. ऐसे बड़े बड़े चीटिंग्स हुए हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में, साइंटिफिक वर्ल्ड में, जिसमें हम लोग बहुत विश्वास करते हैं कि अरे दिस इज द परफेक्ट प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट इन नॉलेज, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विच इज एक्चुअली चीटिंग, लॉट ऑफ थिंग्स. सो दिस इज वन स्मॉल लिटिल वीडियो दैट यू कैन से पिल्टडाउन मैन हॉक्स. 1912 में कनेक्टिंग लिंक मेडअप किया गया था, पिल्टडाउन मैन हॉक्स है विद रिलेशनशिप विद डार्विन्स थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम एप्स. हम लोग बंदर से आए हैं उसको प्रूफ करने के लिए, जो जितने भी डार्विन के जितने भी फॉलोअर्स साइंटिस्ट हुए हैं ना, उन्होंने क्या किया कि एक भी अभी तक मिसिंग लिंक नहीं मिला, कितना भी खोजा, कहीं भी खोजा, पूरे के पूरे प्लैनेट में खोजा, कहीं भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जो ऐसा हड्डी नहीं मिला, लिंक नहीं मिला जहां से पता चले कि हाँ ये जो लिंक है वो बंदर और आदमी के बीच का है, अभी तक नहीं मिला. लेकिन उन्होंने क्या किया, एक हॉक्स तैयार किया, एक हॉक्स तैयार किया. हॉक्स मतलब जो कि बना बनाए एक फर्जरी है, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक फर्जरी. सो लेट्स सी वेदर दिस वीडियो गेट्स ओपन. Hoax proof of birds missing link. Yeah, let's see. Evolutionists go so far in this subject that they can even invent very different faces for the same skull. The three entirely different reconstructions made for the fossil calls in Xanthropus is a famous example showing how persistent evolutionists are in producing these false masks. Another intermediate transitional form fabricated by evolutionists was the Nebraska Man. This was cooked up in 1922 on the basis of a single fossil tooth. The evolutionists did not neglect to give it an ostentatious Latin name, Hesperopithecus Harold Cooka, or to make imaginary drawings related to it. It was soon revealed that the tooth that had been the source of inspiration for Nebraska Man, in fact, belonged to a wild pig. Many other fossil skulls have been presented as great evidence for evolution failed one by one. Neanderthal man was advanced as evidence in 1856, dismissed in 1960. Piltdown man was advanced as evidence in 1912, dismissed in 1953. Zinzanthropus was advanced as evidence in 1959, dismissed in 1960. Ramapithecus was advanced as evidence in 1964. Dismissed in 1979. ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि चीटिंग कितना तक
कहाँ तक घुस सकता है ना. हाउ मच पीपल आर देयर इनटू जस्ट पैचिंग अप थिंग्स. उनको पता है कि सब कुछ सारा कुछ कचड़ा है ना, सारा गलती किया हमने, लेकिन उसको छिपाने के लिए इतने बड़े बड़े हॉक्स बना लेते हैं लोग. और इतने बड़ी हैरानी की बात है, ऐसी बड़ी विडंबना है कि इन सभी चीज़ों को जो कि चीटिंग है, जो कि हॉक्स है, उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है ऐसे कि ये वेद वाक्य है, यही परम सत्य यही है, और उसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि हाँ यही है, और लोग इस पर विश्वास भी करने लगते हैं. हम लोग विश्वास करने लगते हैं कि हम बंदर हैं, हम बंदर से आए हैं. वाह, तो दिस इज कॉल्ड चीटिंग प्रोपेंसिटी. तो हमने अब तक देखा कि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट सेंसेस होने के कारण हमारे सेंसेस इल्यूजन हो जाती है. इल्यूजन कैसे हो रही है, तो हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की तो बात ही हटाओ. इल्यूजन हो जाने के बाद कमिट करते हैं क्या मिस्टेक्स, वी डू सो मेनी मिस्टेक्स, वेदर एनीवेयर इज, वेदर साइंटिस्ट और एनी ले मैन ऑर्डिनरी मैन, वी डू मिस्टेक्स एनीवेयर. हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो बहुत सारा डिफेक्ट्स होता है, पैरालैक्स होता है ना, उसके बाद कभी केमिकल ज़्यादा डाल दिया, एंड पॉइंट कहीं पे आता है. तो अगर डेटा नहीं मिल रहा तो इधर उधर से बोलते हैं, अरे डेटा किधर है, किसका स्ट्रेट लाइन आ रहा है डेटा, तो हम लोग जाते हैं कितना स्लोप है इसका बता, तो पॉइंट वहीं पे डाल के जाके जमा कर देते हैं. पता चलता है क्या, ये सबका गलत है ना. सो बिकॉज एवरीबडी चीटेड टू इच अदर, वी डू इन अवर कॉलेजेस, लाइक इंटाइट्रेशन जब करते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है. तो दिस इज नॉट ओनली इन कॉलेज बट एवरीवेयर इन साइंटिफिक वर्ल्ड ऑल्सो दिस चीटिंग फर्जरी इज एक्चुअली वेल परवेडेड. सो हाउ वी कैन गेट द राइट नॉलेज थ्रू प्रत्यक्ष प्रमाण इज इम्पॉसिबल. नाउ लेट्स सी सेकेंड, अनुमान प्रमाण. थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, गेस वर्क, गेसिंग, मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दैट, हो सकता है ऐसा होगा, हो सकता है वैसा होगा. तो गेसिंग करने वालों में सबसे उस्ताद जो बोला जाता है ना, उस उस्ताद व्यक्ति का नाम है चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन एक ऐसा व्यक्ति था जो कि गेस के ऊपर में इन्होंने एक थ्योरी बनाया और उसको मार्केट में इतना प्रचारित किया कि अब लोग समझने लगे कि एकदम ये वेद वाक्य परम सत्य है. तो ये जो डार्विन है, अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या लिखता है देखते हैं. इन वन ऑफ हिज लेटर टू एयर वैलेस, December 12, 1857, 1857 में डार्विन लिखता है, आई एम फॉर बिलीवर दैट विदाउट स्पेकुलेशन देर इज नो गुड एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन. आफ्टर 5 years वर्क आई अलाउड माई सेल्फ टू स्पेकुलेट ऑन द सब्जेक्ट एंड ड्रीव अप सम शॉर्ट नोट्स. दीज आई एनलार्ज इन 1844 इन टू ए स्केच ऑफ कंक्लूजन्स विच सीम्ड टू मी प्रोबेबल. तो डार्विन अपनी किताब में लिखता है, देखो इसका जो स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है, ये पूरा विश्वास करता है क्या स्पेकुलेशन में. स्पेकुलेशन मतलब मनगढ़ंत बात, मतलब बस सोच, स्पेकुलेशन हो सकता है ऐसा होगा, हो सकता है वैसा होगा. बोलना है कि स्पेकुलेशन में पूरा विश्वास है क्या, कि विदाउट स्पेकुलेशन देर कैन नॉट बी एनी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन. 5 साल बेटा क्या किया ये डार्विन, आफ्टर 5 years वर्क आई अलाउड माई सेल्फ टू स्पेकुलेट, बस स्पेकुलेट किया हो 5 साल, और क्या नोट्स बनाया, अपना मन की जो उसकी उड़ान है उसके ऊपर उन्होंने नोट्स बनाया, और उस नोट्स को 1844 में उसने एक बुक में पब्लिश किया जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या बताया कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोग मनुष्य हैं ना, सब बंदर से आए हैं. लेकिन जब बस ये थ्योरी दिया, इसमें तो जाके गड्ढा नहीं खोदा कहाँ पे मनुष्य हैं और क्या मनुष्य एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद मनुष्य का जो कंकाल है वो मिलता है कि नहीं मिलता है, सिर्फ बंदरों का मिलता होगा, है ना. तो आर्कियोलॉजिकल में क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइंस में क्या है कि अगर आप जितना नीचे जाएंगे, मतलब कि उतने पुराने पुराने आपको रॉक्स मिलेंगे, पुराने पुराने आपको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, पुराने पुराने कंकाल मिलेंगे जीवों के, जितना नीचे गड्ढा खोदेंगे, जिसको आर्कियोलॉजी. तो जब डार्विन की इस थ्योरी के ऊपर जांच पड़ताल किया गया, गड्ढा खोदा गया बहुत जगहों पे सर्च करने के लिए क्या, कि क्या एक गहराई के नीचे
मनुष्य का जो कंकाल है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या सिर्फ बंदरों का मिल रहा है, या फिर कहीं मिसिंग लिंक मिल रहा है, बंदर और ह्यूमन बीइंग जैसे लोग तो नहीं मिल रहे, एकदम बीच बीच वाले है ना। तो पता चला कि कितनी भी गहराई में जाके खुदा जा रहा है, बंदर और आदमी के कंकाल मिल ही रहे हैं। लेकिन डार्विन का कहना क्या था, 10,000 साल पहले सारे के सारे जो अभी जान अभी मनुष्य हैं सभी बंदर थे, मतलब 10,000 साल पहले इस धरती पे एक भी आदमी नहीं था अकॉर्डिंग डार्विन। लेकिन अभी रॉक्स का फाइंडिंग्स क्या बोल रहा है, 100,000 साल पहले का भी जो नीचे जगह कार्बन डेटिंग करने से पता चल रहा है कि मनुष्यों के और बंदरों के जो कंकाल है साथ में मिल रहे हैं। 400,000, 1,000,000, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, उस गहराइयों पे भी अगर खुदा जा रहा है तो मनुष्यों के और बंदरों के साथ साथ में क्या मिल रहे हैं, कंकाल मिल रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स एंड एप्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग मिलियंस एंड ईयर्स अगो। तो इस तरीके से डार्विन थ्योरी तो पूरा डस्टबिन में गया। देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट, दे हैव ऑलरेडी थ्रोन दिस डार्विन थ्योरी इनटू डस्टबिन, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उसने लिखा है किताब में कि बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं ना तब वैसी बातें करते हैं, बच्चों को कहानी सुनाने जैसी बातें। कैसे उसने बताया कि वेल कैसे बना था, एक भालू कैसे वेल बन गया, पोलर बियर वेल कैसे बना। तो आर्कटिक में क्या हुआ कि जो पोलर बियर कीड़े खाते हैं, कीड़ों की संख्या कम हो गई, कीड़े जितने भी थे वो सब क्या ओशन में ज़्यादा घूम रहे थे ऊपर में, तो उसको खाने के लिए बहुत सारे जो बियर्स थे वो लाखों साल तक मुख को आ करके वो दौड़ने लगे, किधर ओशन की तरफ दौड़ने लगे, और दौड़ते 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 बहुत लोग दौड़े, बहुत सारे पोलर बियर दौड़े, दौड़ते दौड़ते कुछ लोग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए, अपने शरीर को कन्वर्ट कर लिया उन्होंने पोलर बियर में। भाई बताइए क्या है, तो ये क्या पागल, मतलब पागल बनाने वाली कहानी जैसे बच्चों को बता सुनाते हैं वैसी कहानियाँ सुना रही है। सो दे ही राइट्स इन हिज ओन बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन नॉर्थ अमेरिका द ब्लैक बियर वाज सीम्स स्विमिंग फॉर आवर्स विथ वाइड ओपन माउथ द स्केचिंग लाइक ए वेल इंसेक्ट्स इन वाटर, इवन इन सो एक्सट्रीम इन ए केस एज दिस इफ द सप्लाई ऑफ इंसेक्ट्स वेर कॉन्स्टेंट एंड बेटर एडेप्टेड कंपटीटर्स डिड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कंट्री, आई कैन सी नो डिफिकल्टी इन ए रेस ऑफ बियर्स बाय नेचुरल सेलेक्शन मोर एंड मोर एक्वाटिक्स इन देयर स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स विथ लार्जर एंड लार्जर माउथ्स टिल ए क्रिएचर वाज प्रोड्यूस्ड एज ए मॉन्स्टर्स एज वेल। वाह क्या इस थ्योरी दिया है, और इस थ्योरी को लोग, जनता इतनी पगली है इस थ्योरी को किताब में छपवा के पढ़ते हैं, स्पेशली भारतवर्ष के मूर्खों की तो बात ही बताओ। उसी तरीके से ने बताया कि जेब्रा कैसे जिराफ बन गया, जेब्रा जिराफ बन गया ऐसे खींचते 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 खींचते, अरे जेब्रा जिराफ बन गया तो अभी भी जेब्रा क्यों है, सब लोग जिराफ बन जाते हैं है ना, तो जो जेब्रा खींच नहीं पाया सारे जेब्रा मर गए, बहुत सारे जेब्रा जो कि अपनी नेक्स्ट को इलोंगेट नहीं कर पाए है ना, पेड़ों की हाइट बढ़ रही थी, पता नहीं पेड़ों की हाइट वहीं पे क्यों बढ़ रही थी उसकी थ्योरी में। सो लॉन्ग नेकेड जिराफ्स एंड शॉर्ट नेकेड जिराफ्स एग्जिस्टेड टुगेदर, बट शॉर्ट नेकेड जिराफ्स डिसअपीयर्ड बिकॉज दे वर वेरी हंग्री एंड दे कुड नॉट रीच लीव्स फ्रॉम ट्रीज सो दे डाइड एंड लॉन्ग नेकेड जिराफ सर्वाइव, दिस इज द वाइव यू ओनली सी जिराफ्स विद लॉन्ग नेक्स टुडे। वाह सच ए फेरी टेल। सो इफ जिराफ है टू स्ट्रेच द नेक डिड दे नॉट ड्रिंक वाटर, अगर उसको स्ट्रेच करना है तो उसको तो पानी पीना भी पड़ेगा ना, पानी पीने के लिए तो उसको नीचे आना पड़ेगा, तो जितना वो खींच रहा है ऊपर में उतना ज्यादा समस्या उसको पानी पीने में होगा। और जहां पे जिराफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टहनियों को पहुंच पा रहे हैं ठीक है उन लोग जिंदा रहे, लेकिन हिरण लोग क्यों नहीं किया, उसी जगह पे उसी इकोलॉजी में हिरण लोग भी तो हैं अभी भी जिंदा हैं, व्हाई दे आर स्टिल देयर, व्हाई दे आर स्टिल अलाइव। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दे शुड ऑल बी डेड, इफ मंकीज हैव इवॉल्व्ड टू ह्यूमंस व्हाई मंकीज आर स्टिल सर्वाइविंग द प्रेजेंट डे, अगर सारे बंदर से हम मनुष्य आए तो बंदर लोग अभी भी क्यों मौजूद हैं, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन जितना भी बंदर है सब मर जाने चाहिए ना, क्योंकि इवोल्यूशन हो गया, मनुष्य बन गए, एडवांस्ड वर्जन आ गया, तो एडवांस्ड वर्जन आ गया तो जो
लोअर वर्जन है वो सब मर जाने चाहिए बिकॉज कंपटीशन इज मोर, बट इट्स नॉट, डजंट हैपन लाइक दैट. सो डार्विन ट्राई टू गिव अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन बाय हिज ओन स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन हिज मटेरियल आउटलुक. इट इज अ फैक्ट दैट वेदा ऑल्सो टॉक ऑफ इवोल्यूशन बट नॉट ऑफ द बॉडी बट ऑफ द स्पिरिट सोल. Veda say that soul who is residing in one body moves at the time of death to another body, not that one body changes to another. Yeah? इसका मतलब यह नहीं कि देखिए अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास सपोज 50 लाख रुपया है तो आप एक कार खरीद सकते हैं. 50 लाख रुपया तो हो सकता है आप मे बी मर्सिडीज बेंज खरीद लिया है ना, 50 लाख रुपया मर्सिडीज बेंज खरीद दिया. अगर आप आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं तो हो सकता है आप रोल्स रॉयस खरीद लें, लैम्बोर्गिनी खरीद लें, क्योंकि आपके पास पैसा है. तो पैसा है आपके पास तो आप पुरानी वाली जो कार है उसको आप छोड़ देंगे, यू विल लीव दैट. मर्सिडीज बेंज छोड़ दिया राइट. हम नई कार खरीदते हैं, हम अपने आप को नई कार में डालेंगे. ऐसा नहीं होता ना कि ओ मैंने सोचा कि मुझे मर्सिडीज बेंज से अब मुझे क्या करना है, मर्सिडीज बेंज बहुत हो गया, मुझे अब फरारी चाहिए या फिर लैम्बोर्गिनी चाहिए. तो ऑटोमेटिकली एक दिन क्या हुआ कि मेरा कार मर्सिडीज बेंज से ऑटोमेटिकली लैम्बोर्गिनी में चेंज हो गया. वाह, ऑटोमेटिकली सब कुछ लग गया. ऐसा हो कभी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल. According to Darwin, there is no soul. According to Darwin, everything is machine. So we are talking about machine only, right? We are talking about machine. So that never happened. So now let's proceed ahead. How we can see here the problems in making so much mistakes in seeing what's called speculation, speculative knowledge. So बहुत सारे ऐसे हम लोग रिसर्च भी किए हैं, सॉरी लाइक देर आर सो मेनी डिफरेंट रिसर्चेज ऑल्सो वी नो. समबडी कैन से ओके साइंटिस्ट आर मेकिंग सो मेनी थिंग्स, व्हाट्स प्रॉब्लम विद दैट, आइदर थ्रू स्पेकुलेशन और थ्रू सेंसरी परसेप्शन. लेकिन प्रॉब्लम लोगों का और भी ज़्यादा बढ़ रहा है. लोग गेम्स खेल रहे हैं, घंटों घंटों गेम्स खेल रहे हैं और जल्दी मर रहे हैं. वायलेंस बढ़ रहा है, स्लीपलेसनेस, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, डिप्रेशन, हियरिंग डैमेज, ओबेसिटी, लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स, सिल्कन वैली रिसर्च ब्लंडर, थ्रैंसन लैब्स रिसर्च क्लेम्स इन 2003 ब्लड टेस्ट यूजिंग ऑटोमेटेड डिवाइस लैब ऑन चिप इंस्टेंट डायग्नोसिस ऑफ 240 मेडिकल कंडीशंस बाय सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड. तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ तक विथ वेरी वेल टू डू इंडस्ट्री, वेल टू डू लेबोरेटरीज ऑल्सो हैविंग दिस टाइप ऑफ ब्लंडर्स. इनएक्यूरेट ब्लड टेस्ट रिजल्टेड इन इनडेंजरिंग पीपल्स लाइव्स, पेशेंट्स हार्म ड्यूरिंग टेस्टिंग इन लेबोरेटरीज, fraud of about more than $9 billion revealed in well reputed laboratory, you can imagine. तो इस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े ब्लंडर लोग करते हैं. तो हिस्ट्री में ऐसे बहुत बड़े 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 ब्लंडर के बारे में पता है. 1300 देखिए यहाँ पे 1300 में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा पैंडेमिक चालू हुआ था. जैसे अभी पैंडेमिक चालू हुआ है ना, पैंडेमिक में लोग सोचते थे क्या कोरोना कहाँ से आए, उसी तरीके से 1200 या 1350 उस समय यूरोप में बहुत बड़ा पैंडेमिक चालू हुआ था, प्लेग. तो जब चालू हुआ तो क्या हुआ कि कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सोचा कि ये प्लेग का जो मेन जड़ है वो क्या है, बिल्लियाँ. बिल्लियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिल्लियों के कारण हो रहा है प्लेग. तो क्या हुआ कि जब वो शुरुआत में यूरोप की लोअर यूरोप्स में, रोम में, इस तरीके से उस जगह बार्सिलोना में ये सब बढ़ रहा था प्लेग, तो उन्होंने क्या कि बहुत सारे बिल्लियों को मरवा दिया, कटवा दिया. बिल्ली मर गए तो और भी ज़्यादा चूहे बढ़ गए, चूहे बढ़ गए तो एक्चुअली प्लेग हो रहा था चूहों से, तो और भी ज़्यादा प्लेग बढ़ा. पूरा का पूरा रशिया, पूरा का पूरा यूरोप, पूरे में पूरा पैंडेमिक फैल गया. लाखों लाखों लोगों की संख्या में लोग मरे पैंडेमिक में. सो दिस इज वन एग्जाम्पल. सो हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. So now let's proceed ahead. How to get the complete knowledge? How to get the complete knowledge? Till now we understood that seeing is believing is incorrect way of getting knowledge. Then also we saw that by anuman praman, that is also we cannot get the knowledge.
But how we can get the perfect knowledge? We can get the perfect knowledge from the perfect source. So let's see this particular small little video. Yeah. तो ये देखिए बेचारा भालू वेट लूज करने गया था, लेकिन वेट लूज करते करते उसका सब सब कुछ लूज हो गया, नाक वाक सब फूट गया है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी यार, अगर इस किसी भी मशीन से हम लोग काम कर रहे हैं तो मशीन को काम मशीन के साथ काम करने से पहले मशीन के साथ जो मैनुअल होता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारा टाइम हम ऐसे निकाल लेंगे उस मशीन से छेड़छाड़ करते हुए, और ज़्यादा कुछ उससे हम लोग काम नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली दिस वर्ल्ड इज अ मशीन, दिस वर्ल्ड इज अ मशीन, मशीन ऑफ गॉड। तो जब इस मशीन को दिया गया तो साथ साथ मैनुअल भी दिया गया है। या कोई भी मशीन है, कोई मशीन है, अभी तक कोई मशीन ऐसा नहीं बना जिसके साथ कोई मैनुअल नहीं बना। सिमिलरली दिस होल मटीरियल वर्ल्ड इज मेड विद अ मैनुअल, ऑफ दैट्स मैनुअल इज वेदस। सो नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड, थर्ड सेक्शन दैट्स कॉल्ड शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम बनाफाइड ऑथोरिटी। सो व्हाट इज शब्द प्रमाण? शब्द प्रमाण इज नॉलेज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज बियॉन्ड फोर डिफेक्ट्स, जिसके पास ये चार डिफेक्ट नहीं है। चार डिफेक्ट मतलब जिनकी सेंसेस इम्परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सेंसेस है, जो इल्यूजेंट नहीं होते हैं, मोहित माया में मोहित नहीं होते हैं, या उसके बाद जो मिस्टेक नहीं करते हैं, और चौथा है जो चीटिंग नहीं करते। ये एक ही व्यक्ति है, एंड ही सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड हैव नो डिफेक्ट, फोर डिफेक्ट्स, राइट? एंड द नॉलेज कमिंग फ्रॉम हिम कैन बी ओनली परफेक्ट। जैसे हम लोग देखते हैं चार 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 किलोमीटर के सामने हमें हॉरिजन दिखता है, वी आर एबल टू सी नथिंग, प्रैक्टिकली नथिंग इज सीन, बट इट्स नॉट फॉर सुप्रीम गॉड। ही सेइंग थ्रू आउट द होल स्पेस एंड थ्रू आउट द होल टाइम, there is no bar for the time and space for him. He see every atom what is happening, he see every heart what is going on. So the knowledge which is coming from that personality who is actually beyond four defects, that knowledge is the perfect knowledge from where we get perfect knowledge, right? So wahi source perfect hai, isliye bhagavad gita mein bhagwan shri krishna batate hain ye jo knowledge hai, perfect knowledge shabd praman ka, hearing from the bona fide authority, ये चला आ रहा है कैसे? परंपरा में चला आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः। तो ये जो परंपरा में ये चला आ रहा है, कैसे चला आ रहा है? परंपरा में, बोनाफाइड परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है। सो हाउ कैन ए चाइल्ड नो हु इज हिज फादर? लाइक अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर इस भारतवर्ष में तो पता है सबको माता पिता कौन है, यूजली भारतवर्ष का सिचुएशन अलग है, लेकिन यूरोप में या अमेरिका में जाएंगे तो कई बच्चों को पता नहीं कि उनके पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है। सपोज उसकी माता, उसको पता है कि उनकी माता है, सो व्हाट, हाउ अ पर्सन कैन नो हु इज हिज फादर? नाउ कैन यू प्लीज टेल हाउ अ पर्सन, हाउ ए स्मॉल लिटिल चाइल्ड कैन नो हु इज हिज फादर? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, या आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हु इज हिज फादर From his mother, Pritam Nath is telling him from his mother. Of course, that's true. उसको तो कम से कम अपने माता के बारे में जाने चाहिए। और कोई दूसरा ऑप्शन है? Yes, कोई दूसरा ऑप्शन है?
डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। आयुष बोले डीएनए टेस्ट करेंगे, यस। और कोई दूसरा ऑप्शन है? तो अगर डीएनए टेस्ट करते हैं, जीन्स का टेस्ट करते हैं, तो एक व्यक्ति का जीन का टेस्ट करने में 800, जेनेटिक फिंगरप्रिंट टेक्स 800 इयर्स टू आइडेंटिफाई अ लॉट ऑफ 200 मेन, वन ऑफ होम लाइकली टू बी योर फादर। तो 800 साल लगेंगे 200 लोगों का डीएनए प्रिंटिंग करने में, उन 200 लोगों का जो कि उस व्यक्ति के पिताजी के एज के हैं। तो क्या 800 साल तक बंदा जिएगा ही नहीं, है ना? सो इट डजंट फील लुक टू बी वायबल। सो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन नॉलेज, मीन्स इंडक्शन वे ऑफ गेटिंग नॉलेज, ओके, डूइंग रिसर्च टू गेट द नॉलेज। बट सिंपल थिंग, इफ यू नो हु इज मदर इज, देन ही कैन डायरेक्टली गो एंड आस्क टू हिज मदर, जस्ट आस्क योर मदर हु इज योर फादर। इट्स कॉल्ड डिडक्टिव वे ऑफ गेटिंग नॉलेज, मीन्स हियरिंग फ्रॉम द ऑथोरिटी, शब्द प्रमाण, बस सुन लो खत्म, है ना? तो बहुत सारा जो नॉलेज है हम लोग शुरुआत में बस सुन के ही बस ग्रहण किए हैं, यानी पापा ने बताया ये कौआ है, बस कौआ है तो कौआ है, बस काला कलर का ये जो बर्ड है बस इसको कौआ बोलते हैं तो कौआ बोलते हैं, समझ लीजिए। टीचर समझाया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा होता है। तो हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच बस सुन लिया, हमने ये नहीं बोला कि अरे ए बी सी डी ई एफ जी एच क्यों, कोई दूसरा बताओ, ए पी के एल एम ओ पी, ऐसा क्यों नहीं बता रहे आप लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एच क्यों बता रहे हैं? ये शब्द प्रमाण है, दिस इज द वे टू गेट नॉलेज। क ख ग घ अंग ऐसा ही क्यों होता है? ऑफ कोर्स द साइंस बिहाइंड दिस, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस इन द माउथ फ्रॉम वेयर द डिफरेंट वर्गज आर कमिंग, द साउंड वाइब्रेशन ऑफ वर्ग। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, दिस कॉल डिडक्टिव वे ऑफ गोइंग, जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑथोरिटी, द राइट ऑथोरिटी। ऐसा ऑथोरिटी नहीं जो कि स्पेकुलेशन कर रहा है, ऐसा ऑथोरिटी नहीं जो कि अपनी इंद्रियाओं के ऊपर उसको विश्वास है, नहीं। वेदास आर द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज, द रियल मदर, एंड गॉड इज द सुप्रीम फादर। So Vedas can give us the complete. The Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra War, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power, which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. So, we have seen here that Vedas are actually the real, the absolutely bona fide and authenticated source of knowledge. And there are so many different Vedas, means the mantra se pura ka pura Ved, jo ki chalu hota hai Om se. And they are having very special power. लेकिन हमारे पास अभी वैसी प्योरिटी नहीं है कि उन सभी मंत्रों को हम लोग अभी यूटिलाइज कर सकें, बट देर आर मैनी मंत्रा वेरी वेरी पावरफुल, पीपल आर यूटिलाइजिंग दोज मंत्रास, बट द साइंस बिफोर इन वैदिक नॉलेज वॉज वेरी वेरी वेल डेवलप्ड, बहुत 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 डेवलप्ड होते थे। तो वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जैसे ऑथराइज कॉलेज होते हैं जहाँ पर हम लोग जाके डिफरेंट डिग्रीज प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से ऑथराइज परंपरा होता है, संप्रदाय होता है, जिससे वैदिक नॉलेज प्राप्त करते हैं हम लोग। प्रोफेसर्स मतलब स्पिरिचुअल मास्टर गुरु, ऑथराइज बुक्स मतलब वैदिक टेक्स्ट लाइक भगवद गीता। सो इस तरीके से वेदा जो है बहुत ही डेवलप्ड है एंड परफेक्टली डेवलप्ड विदाउट हैविंग एनी इनएबिलिटी।
वैदिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन नहीं होता है कि एक लगाओ, एक सोल्यूशन लगाओ तो सोल्यूशन के साथ 10 प्रॉब्लम निकल के आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज परफेक्टली वेल रिसर्च्ड, नॉट रिसर्च्ड, वेल रिवील्ड, इट्स नॉट रिसर्च्ड नॉलेज फ्रॉम मंडेन सेंसेस। हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस के द्वारा रिसर्च नॉलेज नहीं है, बल्कि परफेक्ट सेंस वाले पर्सनालिटी सुप्रीम गॉड के द्वारा प्रदत्त है, दैट्स गिवन, दैट्स डिसेंडेड नॉलेज, दैट्स नॉट रिसर्च नॉलेज। सो लाइक दिस देयर आर सो मेनी डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आई विल जस्ट स्किप दिस आउट। सो देयर आर सो मेनी इंडिफैटिगेबल वैदिक प्रेडिक्शंस। 5000 साल पहले वेदव्यास ने वेदस का कंपाइलेशन किया था, वेदा हमेशा से है, लेकिन कंपाइलेशन रिटन वर्जन में वेदव्यास श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि गौतम बुद्ध आने वाले हैं, गौतम बुद्ध है, चाणक्य पंडित आने वाले हैं, भागवतम में लिखते हैं। कितने साल पहले? 3000 साल पहले चाणक्य पंडित के आने से पहले वो लिख चुके थे, अचाणक पंडित आए, नाम लिखा हुआ है साफ साफ, अशोक आएंगे वो लिखा हुआ है, वो आए। जीसस क्राइस्ट विल कम इज रिटन इन भविष्य पुराण, ही केम। मोहम्मद विल कम इट्स रिटन इन भविष्य पुराण, ही केम। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु विल कम इट इज रिटन महाभारत एंड स्कंद पुराण, आदि पुराण, अथर्ववेद, इवन इन महाभारत, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा हुआ कि ही विल कम, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु विल कम एंड ही अपीयर्ड, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड। सो लाइक दिस वी सी वेदास आर द मोस्ट बोनाफाइड वे ऑफ गेटिंग नॉलेज, दैट्स कॉल्ड शब्द प्रमाण। But Indians, because Indians are like the people to whom the people outside Western people, they wanted to convert them. So they are purposefully, उन्होंने क्या किया है कि भारतीयों का जो faith है वेदों के प्रति उसको erode करने का प्रयास किया है, अभी तक वो प्रयास चल रहा है। Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Müller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory, denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive. And they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by a racial bias. तो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, whatever we have read in our syllabuses, these are actually most of things are well planned by people from outside India. Those who wanted to make us like क्या बोलते हैं, guinea pigs, just guinea pigs. So we are in their laboratory. We are being manipulated by their so-called educational hawks, so-called educational mafia things. So, aloha and namaste. So this is 2020 is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me personally reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties, and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God.
The Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change, when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our temporary material circumstances, gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, his unconditional love, and his transcendental appearance in this world. Jaya Sri Krishna. So, like this, nowadays people are able to understand the Vedic knowledge and they are able to accept the Vedic knowledge to be really the true source of knowledge, true source of understanding about life and the world. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेदों में ऐसा ऐसा चीज़ भी बताया गया है जो कि समझ से परे है, है ना, आत्मा किसने देखा है, भगवान को किसने देखा है। लेकिन साइंस में भी हम लोग आँख मूंद के बहुत सारे ऐसे चीज़ों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं जो कि एक्चुअली है नहीं। साइंस में बहुत सारे चीज़ पढ़ते हैं जैसे आयोटा इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनरी नंबर। इसके ऊपर क्या क्या नहीं करते हम लोग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग ने बोल दिया है कि कभी भी किसी भी चीज़ का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम लोग सर्टेन नहीं कर सकते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो केल्विन कभी भी प्राप्त नहीं किया गया लेकिन जीरो केल्विन एक बताया गया कि जीरो केल्विन कुड बी देयर। सो लाइक दिस वी सी देयर आर एक्सियोम्स इन साइंटिफिक नॉलेज ऑल्सो। सो वाई नॉट वी अंडरस्टैंड वट इज नॉट सीन फॉर अवर आइज वैदिक नॉलेज विच इज सम थिंग्स आर नॉट एक्सेसिबल टू अस। But we should not understand that doesn't exist, right? So this institution, that knowledge, जो knowledge है वैदिक knowledge जो कि शब्द प्रमाण कहा जाता है, ये मुख्य रूप से चार professors के द्वारा दिया जाता है। चार professors कौन कौन है? Main professors हैं माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, लॉर्ड शिवा एंड चतुष्कुमार। ये चार main professors हैं और इनके गुरु शिष्य परंपरा, इनका university चलता है। And they gave the same Vedic knowledge throughout the whole universe, not in the throughout the whole world, throughout the whole planet, but throughout the whole universe, right? So उनके कलयुग के प्रोपाउंडर्स हैं रामानुजाचार्य, मधुवाचार्य, विष्णु स्वामी एंड निम्बार्काचार्य, लाइक दिस। सो इन दिस वे वैदिक नॉलेज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा ऑल द वे थ्रू डिसिप्लिन सक्सेशन टुवर्ड अस। या सो वी शैल क्विकली प्रोसीड अहेड समिंग दिस ऑल थिंग्स अप। सो वेदास आर वेरी वेरी वास्ट, very very vast. These are this small little summary study of Vedas, how expansive it is, right? Shruti and Smriti, all these things. So we'll proceeding ahead toward the summary. This is the part of truth, and full truth is seeing through the person who is having the real vision, the real vision of Vedic knowledge. Yeah, so now let's proceed ahead. We saw three ways of gaining knowledge: pratyaksha praman, anuman praman, and shabda praman. Pratyaksha praman hai, humne dekha ki kaise hamari jo char defects hain uske karan hum log pratyaksha praman se gyan, sahi gyan prapt nahi kar sakte. Kya kya char defects hain? Imperfect senses, tendency to get illusioned, we commit mistake and we cheat. Anuman praman se nahi kar sakte kyunki bahut sare mistakes, bahut sare disasters ko laaye hain. Half knowledge is dangerous. देन एट लास्ट विषय शब्द प्रमाण। इसमें हमने देखा कि इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। शब्द प्रमाण मतलब कि नॉलेज जो कि बोनाफाइड सोर्स से आ रहा है, जो कि चार डिफेक्ट से परे हैं। हमने ऐसे बहुत सारे वैदिक ट्रूथ्स और प्रिडिक्शंस को देखा जो कि बहुत साल पहले बताए गए थे, जो अभी भी सत्य हो रहा है, सच हो रहा है। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवद्गीता पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा और भी ज़्यादा रियलाइजेशन मिलेगा। देन विषय द ब्रांचेस इन वेदास। So now, thank you so much, all of you, for being part of today's discussion. If you have any question, inquiry, you can write down in chat box, and you can speak out also. आप लोग खुल के बोल सकते हैं। अगर कोई question है, query है, तो पूछ सकते हैं।